वो दिखाता हूँ, ये एल्युमिनियम की सीढ़ी है, 15 फीट तक की है। ये तो खुलती चली जा रही है, अरे वाह। ये 15 फीट तक की सीढ़ी है, 15 फीट की सीढ़ी। हाँ, ये नजर आ रही होगी आपको, ये भी ओरिजिनल मेड इन जर्मनी है, ये पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। ये छोटा वैक्यूम क्लीनर है। अच्छा, ये तो बहुत ही मिनी हो गया। ये घर के कामों के लिए आता है। ये पड़ेगा इनको 18,000 रुपए का। ये मेड इन जर्मनी है। ठीक है, ये नजर आ होगा, बाल्टी पंप है ये। ये बाल्टी पंप है जी। जबरदस्त, दिखाओ तो सही तरह यार, क्या क्या फंक्शन होता है इसका। ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है ना, बाकी ये छोटा सा ही है। वाटर प्रूफ है? नहीं, वाटर प्रूफ है ये। वाटर प्रूफ है, यानी ये ना, ये देखो किस तरीके पे काटना है, किस तरीके पे नहीं काटना है। ये देखो, ये लेजर के ऊपर सेट हो गया, फिर इसके बाद इसको आप चलाओ। ये मेड इन जर्मनी है। ये कितने का बताया भाई आपने? ये मैंने आपको बताया था 20,000 रुपये का। हाँ, ये स्मॉल है अभी। ये स्मॉल साइज है, इसके अंदर हाँ इसका कम से कम 8 फिट की है। ये जर्मनी है, ये कलर गन है, मतलब दीवारों पे रंग करना, दीवारों पे रंग करने के लिए मेटल पे भी रंग करेगा, मेटल पे भी, लोहे पे भी, लकड़ी पे भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं शेरशाह क्वालिटी गोदाम में, और यहाँ जर्मनी से आया हुआ लॉट का सामान है जो इनके पास मौजूद है। और इनका कहना यह है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स आम मार्केट में नहीं मिलती, इनमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैटरी से चलने वाली हैं। तो आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं। मेरा नाम अली रज़ा है। अच्छा अली, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, कौन सा गोदाम है ये? क्वालिटी गोदाम है, आफ्ताब स्टॉक लॉट D10 शेरशाह कराची। ये आप पुल उतर के जैसे ही आओगे ना, सीधा मीज़ान बैंक के साथ इसका गेट लगता है, क्वालिटी गोदाम D10 आफ्ताब स्टॉक लॉट। आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट? अभी हमारे पास तकरीबन जर्मनी का टूल है। अच्छा, जर्मनी का टूल है। जर्मनी का टूल है हमारे पास। अभी ये ड्रिल मशीन आई है, ये मेड जर्मनी है, ठीक है। इसके अंदर 2 फंक्शन है, 2 गियर के अंदर है, इसके अंदर टाइटर भी है और ये ड्रिल भी है, ठीक है। इसी बैटरी, ये बैटरी वाली है। कितनी देर बैटरी चलती है ये? इसकी बैटरी टाइमिंग 4 से 5 घंटे है। ये है मेड जर्मनी, जर्मनी की ओरिजिनल की गारंटी होगी। ये टाइटर है, नट वगैरह इसमें क्या होता? टाइटर है ये, स्क्रू पेच वगैरह खोलने के लिए। अच्छा। नट वगैरह खोलने के लिए ना ये टाइटर है, ठीक है। ये भी मेड जर्मनी, अभी मैं आपको जितनी भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ना, ये मेड इन जर्मनी है। ये कलर गन है, दीवारों पे रंग करने के लिए रंग करेगा, मेटल पे भी, लोहे पे भी, लकड़ी पे भी, जिस पे दिल चाहे आप कलर कर दो। तो बताएं कितने की? ये आपको पड़ेगी 16,000 रुपए की, मेड इन जर्मनी, 40 एम्पीयर की बैटरी है इसकी। अच्छा, आपने पहले की कीमत भी नहीं बताई। उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तार वगैरह की इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, बगैर तार के चार्ज करो, बंदा कहीं पे भी लेके चले जा सकता है। जबरदस्त, ये भी बैटरी के ऊपर, ये भी मेड जर्मनी है। कितनी देर में चार्ज हो जाती है? ये तकरीबन 1 घंटे में चार्ज होती है, वो बैटरी 8 घंटे चलती है। ये कितने की है पहले वाली जो आपने? ये मैंने आपको बताई थी, ये भी 16,000 रुपए की है। ये भी 16,000 रुपए की, ये मशीन भी 16,000 रुपए की, ये 16,000 रुपए की है। ये जिक्सा है, ये क्या होता है? ये अपना इसकी बैटरी लगा दूँ, ये लकड़ी वगैरह में चलता है ना। अच्छा, लकड़ी को सीधा साफ करना? हाँ, लकड़ी वगैरह को काटने के लिए। ये असल में आते थे पहले बिजली वाले। अच्छा। फिर लाइट की प्रॉब्लम वगैरह की प्रॉब्लम, तो अभी आया। ये 3 गियर के अंदर है, मतलब आप हाथ का काम बहुत आसान हो गया। हाथ का काम बहुत आसान है, इसको चार्ज करो, इसको कहीं पे भी लेके चले। 1 घंटे का काम 5 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। बाकी आपको तार ले जाने की दूर दूर जरूरत नहीं है ना, और लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। लाइट है नहीं है, उसकी लोड शेडिंग है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको पड़ेगा 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए 20,000 रुपए का पड़ेगा। ये कील मारने वाली और पिन मारने वाली गन नहीं होती है, ये भी बैटरी वाली है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बैटरी वाली है। ये भी, ये 22,000 रुपए की पड़ेगी। ये भी मेड जर्मनी है, 22,000 रुपए की है। ये आप कंपनी सर्च मार लेना, आपको पता चल जाएगा। कंपनी सर्च कर लो, मशीन कैसी होती है? ये पूरी मशीन है,
ये डब्बा पैक होगी, इसके साथ एक बैटरी एक चार्जर होगा। अच्छा, एक ठीक बैटरी, है एक चार्जर होगा। कितनी देर में चार्ज हो जाता है ये? ये तकरीबन एक घंटा लेती है मशीन। एक घंटा, और कितनी देर काम करता है फिर ये? कम से कम 4 से 5 घंटे। ये पॉलिशर है, गाड़ी पॉलिश करने का। गाड़ी पॉलिशर है ये। बंदा तार वाला लेता है, उससे जो है बैटरी वाला है। हाँ, ये 16,000 रुपये का पड़ेगा। ये भी 16,000 रुपये का। 16,000 का पहाड़ा चल रहा है ये तो। क्वालिटी के ऊपर है ना। ये क्या चीज़ है भाई? ये हैंड कटर, ये भी बैटरी वाला है। ओह वाओ, ये 20,000 रुपये का। ये 20,000। हाँ, ये भी मेड जर्मनी है। ये अपना LT मशीन है, बैटरी वाली। ये क्या मशीन है? LT मशीन। इससे क्या होता है? ये हैमर वगैरह, ड्रिल वगैरह का। अच्छा, अच्छा। ये 2 फंक्शन के अंदर है, ये हैमर है इसका। इसके अंदर आगे कुछ लगता होगा ना? हाँ, इसके आगे ड्रिल वगैरह लगते हैं। भरमो दे दो। चीज आ गई भाई। ये इसकी छीनी है, चीजल। ये ड्रिल है, ठीक है। ये ड्रिल है, ये इसका, ठीक है। ये इसका हैमर है, इसकी पावर आप देख लो खुद ही। ये मेड इन जर्मनी है, ये भी जर्मनी। हाँ, जबरदस्त हो गया। ये कितने की है? ये 20,000 रुपये की पड़ेगी। 20,000। इसके साथ भी एक बैटरी, एक चार्जर और इसके बिट्स वगैरह जो होते हैं वो होंगे। ये पिन ग्राइंडर है। पिन ग्राइंडर? हाँ, पिन ग्राइंडर। ये घर के काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए ना, डॉक्टर वगैरह भी लगते हैं, साइंटिस्ट वगैरह भी। डिज़ाइन वगैरह लकड़ी पर नहीं बनती है, ये उनमें काम आता है। ये इसकी पूरी किट है, ये इसके अंदर बाकी सामान है इसका। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये भी मेड जर्मनी। डब्बा तो खोल के दिखाओ, इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसके अंदर इसका सारा सामान है। ये इसके अंदर इसका सारा सामान है। ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है। ये भी सब जर्मनी? जर्मनी का है। अभी तकरीबन टूल्स हमारे पास जर्मनी के ही है, चाइना कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। ज़बरदस्त। ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये का। ये 15,000 रुपये का। बाकी ये घास काटने की मशीन है। अरे वाह, ये घास काटने की मशीन है। बंदा ये क्या कर रहे हो? ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देख लो, ये भी बैटरी वाली है। ये भी बैटरी वाली है, वरना कटिंग हो जाती है। हाँ, घास नहीं है, ये भी बैटरी वाली है। बंदा कहीं जा रहा है, उधर लाइट वगैरह नहीं है, तो ये डायरेक्ट बैटरी से चलेगी। इसका वजन इतना नहीं है, इसका वजन 5-6 किलो वजन है इसका। आराम से हाथ में उठ जाएगी। नीचे ऊपर क्या चीज़ है इसकी? ये इसकी मशीन है। ये इसके अंदर इसकी प्लेट लगी हुई है। ये भी बैटरी सिस्टम के ऊपर है। ये कितने की है भाई? ये पड़ेगी 35,000 रुपये की। हाँ, ये भी मेड इन जर्मनी है। ये हाँ, मार्केट में नहीं मिलती है ये चीज़ें। ये तो हमारे पास लोड वगैरह आती है, उसके अंदर निकलता है। ये कार वॉशर है। ये कार वॉशर है, ये भी कंप्लीट सामान के साथ डब्बा पैक होगा, ठीक है। ये इसकी चिट लगी हुई है, ये देख लो। इस ये 200 बार का है, ठीक है, अपना 2200 वोल्ट। ये मशीन चलता है इलेक्ट्रिक से चलता है। इसके अंदर छोटे बड़े सब साइज मिल जाएंगे आपको, सब साइज अवेलेबल है। ये डिग्री कटर है। ये है कितने का भाई? ये इनको पड़ेगा 40,000 रुपये का। इसके अंदर छोटे भी मिल जाएंगे, 20,000 22,000, मुख्तलिफ साइज है। ये मीडियम है, इससे बड़े भी मिल जाएंगे, इससे बड़ा भी। बाकी ये डिग्री कटर है। डिग्री कटर क्या होता है भाई? ये डिग्री पे लकड़ी वगैरह, एल्यूमिनियम काटते हैं ना सेंटर के ऊपर, मुख्तलिफ साइजों के ऊपर। इसके अंदर मेरे पास स्लाइटिंग कटर भी है, जो स्लाइड के ऊपर चलता है, वो कटर भी मेरे पास अवेलेबल है। ये इनको पड़ेगा 45,000 रुपये का। दिखाओ तो सही, चारों तरफ से कैसी की मशीन है ये? अच्छा, ये है भाई। हाँ, ये पूरा मूव करता है सब जगह पे ना। बताइए भाई इसकी? ये 45,000 रुपये का। ये भी मेड जर्मनी है, ठीक है। ये भी नहीं, ये बिजली वाला है। ये बिजली वाला है। ये लेज़र लेवल है। ओहो, कोई चीज़ नापने वगैरह के लिए ना। अच्छा। ये लेज़र लेवल है। ये भी मेड जर्मनी है। पीते की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा ये बता, ये लेवल है, ये लेवल बताएगा आपको, लेवल बताएगा। ये इसका पूरा सेट है, ये इसके पूरी सेट है। ये भी मेड जर्मनी है। ये कितने का है? ये इनको पड़ेगा 20,000 रुपये का। हाँ, ये
बाकी ये सामान आ गया आपके पास। हाँ ये ड्रिल मशीन है, ये भी मेड इन जर्मनी है, ये 16,000 रुपए की है। चाइना की लोग है, चाइना की लोग है तो 4,000-4,500 रुपए की है। जर्मनी 16,000 की, जर्मनी 16। वैसे तो मार्केट रेट इसके 35-40,000 रुपए की ड्रिल है ये। ये जेक्सा वही है बिजली वाला, वो आपको बैटरी वाला पहले दिखाया था, ये बिजली वाला है, ये भी मेड इन जर्मनी है। ये इनको पड़ेगा 10,000 रुपये का। बाकी साइज का फर्क नहीं है, वो ये बिजली के ऊपर है, वो बैटरी के ऊपर है। बाकी ये बिलोर है, ये भी बैटरी वाला बिलोर है, इसके साथ भी एक बैटरी एक चार्जर होगा, ये भी 16,000 रुपये का पड़ेगा। इसकी लाइफ कितनी होती है वैसे? ये ओरिजिनल चीज़ है, आपको पता है सदाबहार है, लाइफ टाइम चलेगा। हाँ ये न्यू है, ये न्यू है, डब्बा पैक सामान है आपके सामने है ये। बाकी आइटम तो हमारे पास बहुत से हैं। ये देखो ये बैटरी वाला ग्राइंडर है, ये भी मेड जर्मनी है। क्या क्या चीजें काटी जाती है इससे? आपका जो दिल चाहे काटो, लकड़ी काटो, लोहा काटो, दीवार काटो, सब कटेगा इससे, सब कट जाएगा। और ये है मेड जर्मनी, ये 22,000 रुपये का। 22,000। हाँ बाकी ये लकड़ी का जेक्सा है, ये भी बैटरी वाला है। अच्छा ये टर्म जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो समझ सकते हैं क्या चीज़ है अब? जी ये इसका जेक्सा है, ये लकड़ी वगैरह काटता है, ये लेज़र वाला है, इसके अंदर लेज़र भी है। अच्छा। इसके अंदर 3 गेयर है और ये इसकी सेटिंग है, ये आपको नज़र आ रही होगी लेज़र तो। बाकी ये भी कील मारने वाली गन है, ये भी कील मारने वाली गन है और पिन मारने वाली गन है, ये भी मेड जर्मनी है, ये कंप्रेसर से चलने वाली है। ये कितने की? ये इनको पड़ेगी 12,000 रुपए की। बड़ा है लक्स पंच, छोटा नहीं है। बाकी ये शीट कटर लकड़ी वगैरह काटने के लिए नहीं होते इसके साथ, इसका पूरा स्टैंड वगैरह भी होगा, ये इसका पूरा सेट है इसके। ये आपको डब्बा पैक मिल जाएगा, ये 45,000 रुपये का पड़ेगा आपको न्यू डब्बा पैक। हाँ ये भी मेड जर्मनी है, ठीक है। ये आपके सामने ऊपर हो रहा है, 4 इंच तक की लकड़ी को काटेगा शीट को। हाँ ये इसकी सेटिंग है सिर्फ लकड़ी के लिए, लकड़ी के लिए। आप एल्युमिनियम काटना चाहो, एल्युमिनियम का ब्लेड लगा के एल्युमिनियम काट दो। इसमें कितने ब्लेड होते हैं? इसके साथ तो एक ब्लेड आता है, बाकी वो आप जो काम के लिए चाहिए तो उसका अलग ब्लेड ले लो। ब्लेड आपको 1200-1300 रुपये का पड़ेगा। ये सीढ़ी है, ये एल्युमिनियम की सीढ़ी है, ये नज़र आ रही है आपको, ये उतार के दिखाता हूँ मैं आपको, सीढ़ी है। ये क्या चीज़ है भाई? ये सीढ़ी है ना एल्युमिनियम की जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एल्युमिनियम की सीढ़ी है, 15 फीट तक की है। ये तो खुलती चली आ रही है, ये 15 फीट तक की सीढ़ी है। 15 फीट की सीढ़ी? हाँ ये नज़र आ रही होगी आपको, ये भी ओरिजिनल मेड इन जर्मनी है, ये पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। ये है कितने की? जी ये कितने की है? ये नीचे आ रही है, ये आपको पड़ेगी 55,000 रुपए की। जी कितने? 55,000 रुपए की। बाकी चाइना की लेने जाओ आप, खुद ही नेट पे रेट देख लो, 70-80 रुपए की सीढ़ी है 15 फिट की। ये तो हमारे पास लोड में आई हुई है भाई। और ये मेटल कौन सा है? ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर बनी हुई है ये। लाग या इसको आप जितने फिट के ऊपर सेट करना चाहो उतने फिट के ऊपर सेट हो जाएगी। 5 फिट ये नीचे लगे हुए, ये देखो ये नीचे लाग लगे हुए, इसके हर डंडे के नीचे लाग लगा हुआ है, जितने फिट के ऊपर इसको सेट करना हो। ये देखो इसके नीचे भी लाग लगा हुआ है, ये नज़र आ गया होगा आपको, ये भी मेड जर्मनी है। अब ये कितने फिट की रह गई बंद होने के बाद? ये तो अभी 2.5 फिट हो गई, 2.5 फिट हो गई, 15 फिट की सीढ़ी 2.5 फिट, 2.5 फिट में हो गई। बाकी इसको आप जितने फिट के ऊपर सेट करना चाहो इतने फिट के ऊपर सेट हो जाएगा। इसका वजन तकरीबन 15 किलो होगा। 15 किलो। हाँ बाकी ये बेंच ग्राइंडर है, ये भी मेड इन जर्मनी है। क्या क्या लगता है भाई, क्या काम होता है इससे? छुरी वगैरह तेज होते हैं, चाकू वगैरह, जिस काम के लिए बिजली से चलने वाला है ये। तो ये भाई इतने बड़ा काम की चीज है। हाँ ये ग्रे में क्या चीज है? ग्रे में ये इसके पत्थर है ना, इसके स्टोन है, दोनों पत्थर है, ग्रे में जी।
जी क्या चीजें पड़ी हुई तो ये एयर पंप है पानी वगैरह के लिए। किस मकसद के लिए भाई? ये गाड़ी में कहीं जा रहे हो आप एयर के लिए तो ये वो वाला है, चरखी वाला है। अच्छा, आपने पाइप छोड़ा ये चले जाएगा वापसी। ये 20 फट का तकरीबन पाइप है इसके साथ। हाँ, और 5 फीट ये पड़ेगा 20,000 रुपये का। ये भी मेड इन जर्मनी है। हाँ, पीछे क्या रखा भाई? जी वो ब्लोअर है, ये वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर में भी आपको सब साइज मिल जाएंगे इसी कंपनी के अंदर। ये आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का। इसके अंदर छोटा बड़ा सब मिल जाएगा, ओरिजिनल मेड इन जर्मनी, डब्बा पैक होगा। बिजली से चलेगा? बिजली से चलेगा। ये टाइटर है, मोबाइल वगैरह वालों के लिए नहीं चलता है ये, उस चीज़ का टाइटर है। हाँ, ये पेच वगैरह खोलने के लिए भी मेड इन। हाँ, रिपेयरिंग में, बाकी दूसरी जो सामान होते हैं उनमें रिपेयरिंग में तो ये चलता है। ये कितने का भाई? ये इनको पड़ेगा 4,500 रुपये का। ये इसका सामान है, बैटरी वाला है ये। ये भी मेड इन जर्मनी है। ये पीछे क्या रखा हुआ यार? ये 3300। ये ब्लोअर है। ये ब्लोअर है? ब्लोअर है ये भी। अरे ना करो, आप बोलोगे तो चला के दिखाता हूँ मैं इसको। दिखाओ ना जरा, ये तो बड़ी जबरदस्त गन लग रही है यार। ये तो नेटो का सामान तो नहीं है? नहीं नहीं, नेट का सामान नहीं है ये, जर्मनी का है। ओरिजिनल जर्मनी होगा ये। तार, ये इलेक्ट्रिक से। ये बहुत हैवी ब्लोअर है। किस मकसद में इस्तेमाल होता है ये? कंपनियों में इस्तेमाल होता है। कमर्शियल है? हाँ, और इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर भी है। हाँ, ये वैक्यूम भी करेगा। लगातार कौन सा डाली जा, ये आपको पता चल रहा होगा। ये ब्लोअर है इसका। ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है। कितने का भाई? ये आपको पड़ेगा 17,000 रुपये का। 17,000 जी। बाकी ये अपना आपको लेज़र लेवल तो मैंने बाहर दिखाया था, ठीक है? वो जो आप बोले थे ना लेज़र इंची टेप, वो ये। ओहो, इसकी तो बहुत तलाश है। वो ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है। दिखाओ, ये आपको नज़र होगा। किस तरह से मेजर करते हैं उसको दिखाना ज़रा। डिस्प्ले भी मौजूद है? डिस्प्ले भी इसके ऊपर आ जाएगा। सेल नहीं है इसमें, खाली बैटरी चाहिए इसके। तो सर लगेगा। इसके अंदर सेल वीक हुए हैं ना। अच्छा, बाकी हम देंगे तो चेक करा गई। हाँ, ये भी ओरिजिनल जर्मनी का। ये पड़ेगा 22,000 रुपये का। 22। ये टेम्परेचर मीटर है, ये देखो ये चल रहा है। ये टेम्परेचर मीटर है, ये भी जर्मनी का। ये आप जिस पे दिल चाहे उस पे टेम्परेचर चेक कर लो। इसका टेम्परेचर आएगा। हाँ, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का। ये मेड इन जर्मनी है। और बाकी ये क्या रखा हुआ भाई? ये वैक्यूम क्लीनर है। ये भी वैक्यूम, ये वैक्यूम क्लीनर है, ये छोटा साइज है। ये आपको पड़ेगा 28,000 रुपये का। ये 28,000? 28,000 घरों में इस्तेमाल होता है। घरों में इस्तेमाल होता है। ये कचरा भी खींचेगा और पानी भी खींचेगा। वैक्यूम क्लीनर, ये 28,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है? ये आपका कचरा भी उठाएगा और पानी भी उठाएगा, दोनों सिस्टम है इसके अंदर। ये लकड़ी की मशीन है। लकड़ी? हाँ। क्या मतलब, क्या काम करेगी ये लकड़ी की मशीन है? ये लकड़ी वगैरह जिसमें बुरादा होता है वो लकड़ी को इसके अंदर डालोगे ना ऊपर से इसकी जगह, तो नीचे से साफ होकर पूरी लकड़ी निकल जाएगी। बुरादा बाहर नहीं निकलेगा? बुरादा बाहर नहीं निकलेगा और लकड़ी को बिल्कुल सीधी कर देगा, जिसपे खुरखुरापन होता है हाथों पर जो लगती है ना वो नहीं लगेगा। बाकी ये छोटा पिन ग्राइंडर है, ये पिन ग्राइंडर, ये बहुत से काम, पिन ग्राइंडर तो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। ये छोटा है, ये पड़ेगा 10,000 रुपये का। इनको मेड इन जर्मनी, अभी चाइना का लेने जाओ 8-9,000 रुपये का तो चाइना का है। बाकी ये जेक्सा मैंने आपको जो बाहर दिखाए थे बैटरी वाले, इसके अंदर मेरे पास बिजली वाला भी अवेलेबल है। फायदेमंद कौन सा होता है, बैटरी वाला, बिजली? बैटरी वाला ले लो तो आपकी जान छूट जाएगी, लाइट की जरूरत भी नहीं है, कहीं पे भी लेके चले जाओ। सही है। बिजली वाले में ये है कि फिर तार की जरूरत होती है,
ये पिन मारने वाली गन है। ये तो स्मॉल गन है बड़ी। ये स्मॉल है घर के काम के लिए। ये आपका बिजली वाली है, इसके अंदर मेरे को बैटरी वाली भी है। कितने की? ये पड़ेगी 10,000 रुपये की। हाँ, बाकी इसके अंदर मेरे पास ये रही, ये बैटरी वाली है, ये बैटरी वाली है, ये नज़र आ रही होगी आपको। ये भी घर के काम के लिए है। ये आपको पड़ेगी 15,000 रुपये की। 15,000 रुपये जी। पिन लग गई भाई? पिन तो लगेगी। ये देखें भाई, पिन लग गई भाई, जबरदस्त। और ये पिलाई देखो कितनी मोटी है, कम से कम 1 इंच की पिलाई है ये। बाकी दिखा रहे हैं भाई आप, ये बंद डब्बों में क्या रखा हुआ है भाई? ये इसके अंदर पंप है घर के। कौन सा पंप है ये? ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये पंप देखने जा रहे हैं हम, पानी का पंप है ये? ये पानी का पंप है, इसकी बड़ा छोटा दोनों है। हाँ, ये पानी खींचने वाले हैं। ये नजर आ होगा, बाल्टी पंप है ये। ये बाल्टी पंप है जी। जबरदस्त, दिखाओ तो सही तरह यार, क्या फंक्शन होता है इसका? ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है ना, बाकी ये छोटा सा ही है। वाटर प्रूफ है? नहीं, वाटर प्रूफ है ये। वाटर प्रूफ है, यानी कुएं में बोरिंग में डाल दें? हाँ, मसला ही नहीं है। कितना फिट पानी खींचेगा ये? ये तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका सारा सिस्टम, ये आप देख लो, ये इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है, ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये का। बाकी ये किसके अंदर बड़ा पंप भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये रहा एक पंप। ये क्या है भाई? ये बड़ा पंप है। अरे वाह, ये देख लो। ओ हो हो, ये घर की मोटर वगैरह के लिए चलता है। ये 35,000 रुपये का। पाकिस्तानी पंप लेने की, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जर्मनी का खरीदो, जर्मनी का। ये 35,000 रुपये का और ओरिजिनल जर्मनी की गारंटी होगी। कितने हॉर्स पावर का है ये? 2 भाई, ये पंप बाहर आ गया भाई। बेसिकली अगर देखें ना, ये यूरो के अंदर इसके प्राइस है, लेकिन हमारे पास जो जॉब लैट आई हुई है, ये उसके अंदर समझ ले कि 50% के अंदर माल है। अभी इसकी क्या ये 800 वोट का है? 800 वोट का? 800 वोट का यार ये आपका, कुछ भी बिजली नहीं खींचेगा। ये कितने का है भाई? ये पड़ेगा 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये का जी। जबरदस्त है भाई, बेहतरीन है। और क्या नया दिखा रहे हो भाई? ये पीछे क्या रखा हुआ है तुम्हारे? ये छोटा वैक्यूम क्लीनर है। अच्छा, ये तो बहुत ही मिनी हो गया है। ये घर के कामों के लिए आता है। ये पड़ेगा इनको 18,000 रुपये का। ये मेड इन जर्मनी है। ठीक है भाई। चलो यार, कोई मशीन से कटिंग वटिंग करके दिखाऊं जैसे वो काट रहा था? ये देख लें, ये जेक्स है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना। हाँ। बैटरी वाला, ये लेजर के ऊपर है, ये नजर आ रहा होगा आपको। ये बिजली वाले, ये बिजली वाले से ज्यादा ताकत हो इसकी। लेजर आपको बता रही है ना, ये देखो किस तरीके पे काटना है, किस तरीके पे नहीं काटना है। ये देखो, ये लेजर के ऊपर सेट हो गया, फिर इसके बाद इसको आप चलाओ। ये मेड इन जर्मनी है। ये कितने का बताया भाई आपने? ये मैंने आपको बताया था 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये। ये एक पंप है, हवा भरने वाला कंप्रेसर है ना, गाड़ी का पंप है। हाँ, ये पूरा तो बहुत ही किस्म का है यार। ये इसका सामान है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये भी ओरिजिनल जर्मनी का है, ये इसकी गन वगैरह बंद। अच्छा, इसमें गेज नापने के लिए भी है जी? हवा बता देगा आपको, कंप्रेसर बता देगा कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है इसके अंदर ना। ये भी मेड इन जर्मनी है। ये पूरा इसका सामान है, ये इसकी गन वगैरह सब कुछ लगी हुई है। ये कितने का भाई?
ये 20,000 रुपये। ये गाड़ी की बैटरी पे चलेगा? नहीं नहीं, ये बिजली पे चलेगा। सब समझ निकाल दो। मैनुअल कार वॉशर होता है। क्या है भाई? मैनुअल कार वॉशर है, चरखी वाला। हाँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ इसका 100 फिट पाइप है। 100 फिट पाइप, हाँ, ये चरखी वाला है। इसको आप कहीं पे भी तैयार करके खड़ा कर दें। ये इसका सारा सामान है। ये इसकी गन वगैरह है। ये इसकी सारी फिटिंग वगैरह है। ये भी ओरिजिनल मेड इन जर्मनी है, उसी कंपनी का। ये भी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका सामान है सारा। ये इसके साथ नोजले देख लो आप कितनी है, छोटी बड़ी सब नोजले हैं इसके साथ। ये 20,000 रुपये का पड़ेगा आपको। 20,000 रुपये। ये छतरी है, छतरी। ये छतरी है, छतरी। ये फार्म हाउस वगैरह के घर के लिए, बंगलों में नहीं इस्तेमाल होती है, बैठक के लिए, हाँ, गार्डन में लगाने के लिए ये छतरी है। इसके अंदर छोटे बड़े सब साइज मिल जाएंगे आपको। जी, ये कौन सा साइज है? ये इसमें स्मॉल है, इससे बड़े, इससे छोटे, फुल साइज भी इसके अंदर मिल जाएंगे। ये वही जर्मनी की है ना, उसी लाट की है जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी खोल के ना। अंदर लगाइयो, सबर 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 फिजन। हाँ, वो नहीं पता। ये इसके अंदर इसकी वो दीवी है खुलने का, ये खुल रही है। हाँ, ये स्मॉल है अभी, ये स्मॉल साइज है। इसके अंदर, हाँ, इसका कम से कम 8 फिट की है ये। हाँ, इसके अंदर इसमें आपको फुल साइज भी मिल जाएगा। हाँ, वाटर प्रूफ है ना ये। ये आपको पड़ेगी 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की इसके अंदर फुल साइज भी मिल जाएगा। ये फार्म में लगती है, फार्म हाउस वगैरह में। ये नीचे आ रही है अब, ये बंद हो गई। बाकी हमारे पास तकरीबन टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। ये आपको मिल जाएंगे, आपको ये अलग अलग मुख्तलिफ रेट होता है। बाकी हमारे पास तो स्टॉक लोड का माल होता ही है। नाम क्या नाम है जरा, थोड़े नाम बताइए। जैसे पाने, हथौड़िया है, पेशकश है, टामिया है, लेवल है, प्लास है, कटर है, नोस प्लास है, हल्की सेट है, स्क्रू पाने वगैरह, रेचिट पाने वगैरह, डिक्स है वगैरह, तो ये आपको मिल जाएगी। जैसे ये पाना, ये क्या हिसाब है? ये पाना आपको पड़ेगा 2500 रुपये का सेट। क्या क्या साइज है इसमें? इसके अंदर कम्प्लीट साइज है, सारे साइज मौजूद है। इसे भी पाने है जी। मतलब मार्केट से कम ही रेट होता है यहाँ पर। ये एयर पंप है, गाड़ी में हवा भरने वाला। ये आपको पड़ेगा 2500 रुपये का। ये आपका 30 पौन की जितनी गाड़ी है उनमें चलेगा, सबों में। ये खैबर वगैरह सुजुकी गाड़ियों में चलेगा। बाकी ये हमारे पास डिक्से वगैरह होती है, ये डिक्से वगैरह आपको मिल जाएगी। ये अलग अलग रेट है, 100, 120, 125, 30, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे हैं इनके। ये क्या है डिक्से? ये एलटी मशीन है। एलटी मशीन जी।
ये एम टॉप की मशीन है, एलटी मशीन है। क्या होता है एलटी मशीन? ये जो मैंने आपको बैटरी वाली दिखाई थी उसी की बिजली वाली है ये। ये बड़ी मशीन है। ये कितने की है भाई? ये आपको पड़ेगी 14,000 रुपए की। 14,000? ये भी तो डिस्के लगी है बड़ी बड़ी यहाँ पे। डिस्के तो आपको जोन सी चाहिए वो अवेलेबल होती है हमारे पास। इसके अंदर हमारे अपने ब्रांड भी है। क्या क्या साइज है आपके पास? इसके अंदर 4 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16 सब साइज मिल जाएगा इसके अंदर। अपना एड्रेस वगैरह सब दोबारा से बता देना, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? हमारा एड्रेस है क्वालिटी गोदाम, आफ्ताब स्टॉक लॉट D10। ये आप शेरशाह का पुल उतरेंगे कराची तो आप सीधा आएंगे मेन रोड पे, मीज़ान बैंक के बराबर में ही गोदाम है, क्वालिटी गोदाम, उधर आफ्ताब टूल। नंबर 03-23-28-81-947। बहुत शुक्रिया।